रोहिंग्या मुसलमानों पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी नहीं घुसपैठिए हैं। मानवाधिकार की बात करने वालों पर भी राजनाथ ने बोला हमला। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के देश के भीतर चल रहे विवाद में एक और मोड़ आ गया। रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं, इसलिए लोग मानवाधिकार की बात न करें। एनएचआरसी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि म्यांमार से अवैध तरीके से भारत में घुस आए रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, इनमें से किसी ने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अहम है, इस मामले में मानवाधिकार की बात करना सही नहीं है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यांमार दौरे के बाद हाल में वहां की नेता सूची ने रोहिंग्या लोगों को वापस लेने की बात कही थी। उम्मीद करता हूं कि इस मामले पर जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम बांग्लादेश में रोहिंग्या लोगों को मानवीय मदद पहुंचा रहे हैं। अधिकारों के नाम पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे भारतीय और भारतीयता दोनों ही खतरे में पड़ने का अंदेशा पैदा हो जाता है। दूसरों के मानवाधिकारों की चिंता करने से पहले हमें भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों और हितों की चिंता करनी है और उनका संरक्षण करना है। कुछ लोग भारत के अंदर जो अवैध तरीके से घुस आए हैं, अब उनको लेकर मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का सवाल है। म्यांमार से भारत घुस आए यह रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है, इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। रिफ्यूजी स्टेटस प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होता है और इनमें से किसी ने उस प्रोसीजर को अपनाया नहीं है, उस प्रोसीजर का पालन नहीं किया है। उधर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राजनाथ सिंह के फैसले के साथ पूरी तरह खड़ी है। बहुत अच्छी बात है, हम तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह आज हमारे मुल्क में 2 मिलियन के करीब रिफ्यूजीज रह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे फिर? 2 मिलियन तो रह रहे हैं यहाँ पर, तो अब इस पर बताएं इनकी सरकार का व्यू क्या है। हमारा बोलना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी एलियंस को भी अप्लाई होता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। देखिए, भारत ने अपना पक्ष एक नहीं अनेक बार दुनिया को बताया है। जो शरणार्थी के लिए ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी भारत नहीं है। शरणार्थी भारत में जब आते हैं उसके जो प्रोसेस हैं उसको सबको फॉलो करना होता है। रोहिंग्या जो यहां पर आ रहे हैं उन्होंने कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो शरणार्थी नहीं हो सकते, उसको घुसपैठ ही माना जाएगा। आपको बता दें कि अब तक करीब 1,80,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। भारत में भी 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में मौजूद है। दरअसल म्यांमार में लंबे अरसे से रोहिंग्या मुसलमान पलायन कर रहे हैं। रोहिंग्या भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड समेत कई दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। म्यांमार से पलायन करने के बाद रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में पनाह ले रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत में भी हजारों रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ले रखी है। दरअसल म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना और रोहिंग्या चरमपंथियों के बीच संघर्ष चल रहा है। सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन म्यांमार में रोहिंग्या पर अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं।